हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और हम आपके सामने आज हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज थोड़ा सा इसके सामान्य परिचय से आपको अवगत कराते हैं कि क्या हिंदी साहित्य का अर्थ है। थोड़ा सा इसका अर्थ समझते हैं, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हिंदी साहित्य को पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वहां से लेकर अब तक महत्वपूर्ण घटनाओं, रचना एवं रचनाकारों के काल क्रमानुसार विवरण को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी नाम से लिखा गया। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास हिंदी में नहीं लिखा गया, बल्कि यह फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा गया, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में आप डिफरेंट समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। किस विद्वान द्वारा लिखा गया, तो गार्सा द तासी। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बोलेंगे अंग्रेजी। अगर ये पूछा गया कि किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। अगर ये क्वेश्चन में ये पूछता है कि किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। और हिंदी का सर्वप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। फ्रेंड्स, इसमें यही तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपको आगे क्वेश्चन और भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए आगे, ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रचना और रचनाकार जो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में, कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की बात करें, तो नलिन विलोचन शर्मा। और हिंदी साहित्य विमर्श की बात करता है, तो पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। तो फ्रेंड्स, इसमें दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और दूसरा ये हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हिंदी साहित्य कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन कौन माने जाते हैं, तो हम बोलेंगे कबीर। वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन है, तो कबीर। भारत के शेक्सपियर कौन है, किसे माना जाता है, तो कालिदास को माना जाता है। ये पिछले बार 2018 के सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि भारत के शेक्सपियर किसे मानते हैं, तो कालिदास को। अष्ट छाप के कवि सूरदास जी हैं। वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, तो सूरदास जी। खंजन नयन कवि किसे मानते हैं, सूरदास को मानते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। और हिंदी के प्रथम आदि कवि कौन है, स्वयंभू। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं कि स्वयंभू हैं। तो
तो फ्रेंड्स इसको याद करने का एक ट्रिक है, अपने आप खुद को नाम रख लो आदि। क्या रख लो? आदि। आदि कवि कौन है? स्वयं, मतलब स्वयं का नाम रख लो आदि। तो हिंदी के प्रथम आदि कवि स्वयंभू, यानी आदि का मतलब खुद का नाम आदि रख लिया है, स्वयं का नाम आदि रख लिया है। हिंदी के प्रथम आदि कवि स्वयंभू। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है? भक्ति काल को। किस काल को माना जाता है? भक्ति काल को। कला व साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। सूरा सुराही और सुंदरियों का काल किस काल को कहा जाता है? रीति काल को। अलंकार काल किस काल को मानते हैं? तो रीति काल को। मुगल काल का स्वर्ण काल किसके शासन काल में था? अकबर के। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अलंकार काल। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलंकार काल या अलंकृत काल किस काल को मानते हैं? तो रीति काल को मानते हैं। और आपको इसमें ये ध्यान रखना है, हिंदी के प्रथम कवि और हिंदी के प्रथम आदि कवि। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़िए, हम देखते हैं खड़ी बोली के जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। तोता ए हिंद, तूतिया ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? ये अमीर खुसरो को मिली थी। हिंदी मुस्लिम संस्कृत के प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को मानते हैं। भारत में मुकरियों के जनक, फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि खड़ी बोली के जनक किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को। और भारत में मुकरियों के जनक किसे मानते हैं? तो अमीर खुसरो को। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि सम्राट कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। प्रथम राष्ट्र कवि किसे मानते हैं? मैथिलीशरण गुप्त को। प्रथम राष्ट्र कवि किसे मानते हैं? मैथिलीशरण गुप्त को। कवियों का कवि किसे कहते हैं? शमशेर सिंह को। कवियों का कवि शमशेर सिंह को। जैसे एक जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो ऐसे कवियों का कवि कौन है? शमशेर सिंह। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। ये जब हम डीएलएड कर रहे थे तो ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। भारत के प्राचीन कवयित्री कौन है? मीराबाई। आधुनिक युग का मीरा किसे मानते हैं? महादेवी वर्मा को। फ्रेंड्स जो ये पेज है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार नहीं दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना चंद्रवरदाई। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी भक्ति काल के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है जिसपे हमने तीनों पे सही का निशान है, तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जोशुआ केटलर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला महाकाव्य किसे मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास।
हरिऔध जी का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपी टेट में कई बार रिपीट हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, किसके द्वारा लिखित, किसके द्वारा रचित है ये, हरिऔध जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के दिन बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।